हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कमेटीज़ के बारे में जो हमारे पेपर के अंदर आती है। यूजीसी नेट के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, जैसे कि चंदा कमेटी होगी, विद्यालंकार कमेटी होगी, कुलदीप नैयर कमेटी होगी, वर्गीज कमेटी होगी। इनको आगे पीछे दे देंगे और कह देंगे कि इन्हें क्रम वाइज लगाइए। और काफ़ी बार क्या होता है कि उसके अंदर ये भी पूछ लेंगे कि जैसे सेन गुप्ता कमेटी है उसका क्या काम था, ठीक है, और मित्रा समिति थी उसका क्या काम था, जोशी कमेटी के क्या सुझाव थे। तो इस तरह से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में करेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ करने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कमेटी है उनकी उद्देश्य क्या क्या थे और कब वो बनाई गई थी। दोस्तों यहाँ पे मैंने काफ़ी कमेटीज़ वगैरह लिखी हुई है, अगर आपको इनमें कोई कभी कमी दिखाई दे तो वो हमें बताएं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, ताकि हम आगे इनमें सुधार कर सकें। देखिए सबसे पहले जो कमेटी आती है वो 1921 के अंदर दी गई थी, स्प्रू कमेटी दी गई थी। इसका जो काम है वो मेरे को मिला नहीं तो इसलिए मैं नहीं लिखवाया। 1925 के अंदर दी गई थी सलाहकार समिति, ये लाइसेंस के ऊपर दी गई थी, वही लाइसेंस मिलना चाहिए उसके लिए थी। 1938 के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी दी गई थी, यह प्रबंध एवं उपयोग के बारे में थी। 1947 के अंदर प्रेस इंक्वायरी कमेटी दी गई थी। फिर 1947 के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट आया था कि किस तरह से इस पे ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर काम करना है रेडियो के ऊपर, तो इसके बारे में आई थी। उसके बाद में 1947 में हत्सिंग कमीशन आया था, ये दोस्तों इंटरनेशनल एक कमीशन था। इसके अंदर क्या था कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी, जो हमारी चार थ्योरी है ना, जो मीडिया की फोर थ्योरीज ऑफ मीडिया यानी कि प्रेस की जो चार थ्योरी है उसके बारे में जो लास्ट की जो थ्योरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, तो वो जो थ्योरी है वो इसी कमीशन के द्वारा उत्पन्न हुई थी। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में एक बार फिर से 1962 के अंदर प्रेस सलाहकार समिति आई थी। 1963 के अंदर आई थी सान्याल कमेटी आई थी। 1964 के अंदर आई थी विद्यालंकार कमेटी आई थी। और 4 दिसंबर 1964 को चंदा कमेटी आई थी, जिसने सबसे पहले तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग अलग करने की राय दी थी, ठीक है, और इनके लिए विज्ञापन सेवा प्रारंभ करने का भी सुझाव दिया था। 1965 के अंदर भगवतम कमेटी आई थी, इन्होंने सुधार विकास के बारे में बताया था कि किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सुधार करना और उसका विकास करना है। 1966 के अंदर स्मॉल न्यूज़पेपर इंक्वायरी कमेटी आई थी और इसे आरआर दिवाकर कमेटी भी कहा जाता है। 1973 के अंदर परामर्श समिति आई थी, इन्होंने भी सुधार विकास के बारे में बताया था। 1977 के अंदर वर्गीज कमेटी आई थी, जो कि आपातकाल के बाद जनता पार्टी द्वारा गठित की गई थी। इसके अंदर क्या था दोस्तों, आकाश भारती रिपोर्ट पेश की गई थी और स्वायत्तता देने के लिए बात की गई थी, यानी कि टीवी और रेडियो को अपने खुद से अधिकार यानी कि खुद से निर्णय लेने के बारे में कहा गया था, स्वायत्तता देने के बारे में कहा गया था कि ये सरकार के नियंत्रण में ना होने चाहिए, तो इसके बारे में ये सुझाव दिया गया था। 1977 के अंदर कुलदीप नैयर कमेटी आई थी और इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी के दौरान में जो जितनी भी वो 4-5 एजेंसी थी न्यूज एजेंसी, उनको मिला के एक बना दिया गया था, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कई न्यूज एजेंसी थी, जैसे पीटीआई थी और यूएनआई थी, समाचार भारती थी और कई तरह की थी, जिनको मिला के एक बना दिया गया था और समाचार बना दिया गया था, एक नई एजेंसी का नाम दिया गया था समाचार, ठीक है। तो कुलदीप नैयर कमेटी ने क्या किया था, जो समाचार नई एजेंसी बनाई थी उसे डिजोल्व करके
दो नई एजेंसी बनाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वार्ता एक न्यूज़ एजेंसी बनाए जो कि हिंदी और इंडियन जो लैंग्वेज है उसके समाचार दे, और जो संदेश है वो इंग्लिश के लिए वो न्यूज़ दे, ठीक है। लेकिन जो कुलदीप नैयर समिति है इसकी बात को नहीं माना गया, इसके सुझाव को नहीं माना गया। 1977 के अंदर वर्धराजन कमेटी आई थी जिसने उपग्रह प्रसारण मुकाबले के बारे में बताया था कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो उपग्रह प्रसारण के मुकाबले में हमसे काफ़ी ज़्यादा है आगे निकल गए हैं। 1977 के अंदर फिर देवधर कमेटी आई थी जिसने निजीकरण में मेट्रो के बारे में बताया था। 1977 के अंदर मैकब्राइड कमीशन आया था जिसके बारे में आपको काफ़ी पता है, ये भी इंटरनेशनली कमीशन था। 1981 के अंदर पारसारथी कमेटी आई थी, ये समाचार समिति थी। 1982 के अंदर न्यू पॉलिसी फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया आया था। 1982 में फिर अन्ना कमेटी आई थी जिसने बीबीसी पर संतुलन बिगाड़ने का आरोप लगाया था। 1983 के अंदर जोशी कमेटी या नेशनल दूरदर्शन काउंसिल आया था, इसे हम जोशी कमेटी भी कहते हैं लेकिन दूसरा नाम इसका नेशनल दूरदर्शन काउंसिल भी कहा जाता है, जिसने टीवी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी कि दूरदर्शन के लिए नए नए सॉफ्टवेयर आने चाहिए ताकि इनकी तकनीकी सुधार हो सके। 1983 के अंदर सरकारिया कमेटी आई थी जिसने फोर सेंटर और स्टेट की बात कही थी कि उनको अपने अपने अधिकार मिलने चाहिए, सेंटर अलग तरह से काम करे और जो स्टेट है वो अपने हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग ले सके। और 1986 के अंदर ना मीडिया आया था। और 1982 के अंदर वर्धन कमेटी आई थी जिसने विदेशी चैनलों के दुष्प्रभाव को बताया था, उनको रोकने के लिए सुझाव दिए थे। 1992 के अंदर AIR कमेटी आई थी। 1996 में महाकालिक कमेटी आई थी जिसने समय सारणी के सुझाव के बारे में बताया था। 1996 में सेन गुप्ता कमेटी आई थी। 1996 में फिर रामविलास पासवान कमेटी आई थी। 1997 में पवार कमेटी आई थी। फिर 1997 में सावंत कमेटी आई थी। 2003 में मित्रा समिति जिसने नियमों में ढील देने के बारे में कहा था, और ये कारंथ समिति ये मेरे को पता नहीं चला कब आई थी, फिल्म उद्योग के बारे में थी। 2014 को गीता कृष्णन कमेटी आई थी, इसने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन के बारे में बताया था। और 2014 में फ्रीडम ऑन नेट आया था, यानी कि ये हम कह सकते हैं फेसबुक वगैरह ने इसकी पहल की थी कि जो है नेट फ्री होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए नेट के ऊपर। तो इसके बारे में इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है, कभी बाद में बताऊंगा आपको। 2014 में फिर BN सरकारी आया था जिसने डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ जो हमें याद रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और इसका जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें, और घंटे का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी वो समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।